हमारे एमसीडी के स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम था श्रीमती बैकाली सरकार। कोरोना की इस महामारी के दौर में वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते करते उन्हें खुद कोरोना हो गया और उनका 4 मई को देहांत हो गया। रोहिणी में रहती थी बैकाली जी और एमसीडी के स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थी। उनकी ड्यूटी लगी थी जो गरीबों के लिए दिल्ली सरकार खाना बांट रही है, हंगर रिलीफ सेंटर चला रही है, ऐसे ही एक हंगर रिलीफ सेंटर में उनकी ड्यूटी लगी थी, पका हुआ खाना बांटने के लिए गरीबों को। और उनकी ड्यूटी 10 तारीख को लगी, 17 तारीख को लगी, 18 अप्रैल को लगी। तीनों दिन उन्होंने ड्यूटी की। उसके बाद उनकी ड्यूटी 25 अप्रैल को लगी। 25 अप्रैल को वो ड्यूटी पे नहीं आई, पता चला बीमार हैं। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में भर्ती कराया गया। उसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे 4 मई 2020 को उनका देहांत हो गया। खाना बांटते वक्त उन्हें भी कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। हम सब दिल्ली के लोग, सब देश के लोग अपने ऐसे कोरोना वॉरियर्स पर हम लोगों को गर्व है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के समाज की सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार को, बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अपने घर का कोई चला जाता है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है। पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद करने के लिए सबके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये डलवाए थे। इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके अकाउंट में 5,000 रुपये और डलवा रहे हैं। कुछ के अकाउंट में डल चुके हैं दोबारा, और जो बच गए उनके अकाउंट में और डलवा रहे हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, 17 मई के बाद, जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए, क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए, क्या ऑटो चालू होनी चाहिए, टैक्सी चालू होनी चाहिए,
क्या स्कूल खुलने चाहिए, मार्केट खुलने चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए। जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031, इस पे फोन करेंगे आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722, 8800007722। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhicm.suggestions@gmail.com, delhicm@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा, आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव भेजिए, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर, और आप सबके सुझावों के आधार पे और सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद मैं परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को हम भेज देंगे। केंद्र सरकार उसके बाद तय करेगी कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहेगा, किस किस क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।